वेलकम बैक टू, मैं हूँ आपका अपना राजभा राजा आपके सामने बर्गमैन स्ट्रीट 125 मॉडिफिकेशन दिखाऊंगा। इसके अंदर कुछ नीडफुल, कुछ अपनी ज़रूरत की होती है, कुछ होती है फैंसी, सारी मॉडिफिकेशन दिखाऊंगा। पहले दिखाऊंगा रिमोट। तो जैसे कि मैंने दिखाया रिमोट, ये इसमें होते हैं, इससे आपका रिमोट से लॉक होता है, इससे अनलॉक होता है, और ये डबल प्रेस पे हो जाते हैं स्टार्ट, ये देखिए। और जितने फीचर्स अपने एक्टिवेट होते हैं सारे ऑफ हो जाते हैं इससे, ये हो गया आपको ऑफ। और इसके बाद दिखाता हूँ आपको और भी बहुत सारी चीज़ें। इसको लगाते हैं पहले, ये देखिए ये लग गया। चाबी ऑन करते हैं, आप देख सकते हैं ये इसकी DRL जो कि कलरफुल वाली होती है, ये होती है आपकी रिमोट वाली। रिमोट अभी खो गया कहीं पर, वैसे इसके अंदर कोई भी कलर चेंज कर सकते हो आप अपने रिमोट के अकॉर्डिंगली। कलर्स में बहुत सारे आते हैं, साथ में मिलते हैं इंडिकेटर बल्ब, और इसमें होते हैं आपके हैजार्ड जो कि हो गया है एक्टिवेट। राइट लाइट पुश करते ही आपके पैटर्न हो जाते हैं चेंज इसके अंदर, और ये होता है आपका सिमटेक ओरिजिनल। नीचे आपको देखने मिलेगा फॉक्स लाइट जो लगा दिए गए, इससे आपके शॉकर और आपके साथ में डिस्प्ले ये होती है पूरी तरीके से सेफ। साथ में वो देखने मिलेगा इसके अंदर वाइजर सेटअप, इसे हम वाइजर सेटअप इसलिए कहते हैं क्योंकि वाइजर हो गए, साथ में मिरर हो गए, और इसके आते हैं क्लैम्प। तो ये होता है अपना पूरा वाइजर सेटअप जो कि इसमें इंस्टॉल कर दिया गया है। साथ में वो देखने मिलेगी फॉग लैंप जो देख सकते हो आप, ये होती है आपकी HJG ओरिजिनल फॉग लैंप, ये होती है वाइट, और इधर आपकी जलती है येलो। तो ये आपको मैंने दिखा दी रोशनी इसकी जो होती है HJG ओरिजिनल होती है, लोकल नहीं है ये। और इसे लगाने के बाद समझो रोड पर ना आपको पूरा व्यू नज़र आता है रोड पर चलने के बाद। साथ में इधर देखने मिलेंगे आपको, ये देख सकते हैं ये इसके हैंड ग्रिप जो कि लगा दिए गए हैं। इधर आपको मिलती है कंटेनर ऑयल कंटेनर कैप जो लगा दी गई इसके अंदर कैन, और इधर आपको देख मिलता है स्विच जो कि होता है फॉग लैंप का CNC वाला। इधर मिलता है मोबाइल होल्डर मोटो जिन इसका ओरिजिनल, इससे लगाने के बाद कहीं पे भी इजी टू राइड कर सकते हो आप। इधर आपको देखने मिलेंगे विंग्स जो कि देख सकते हो, ये होते हैं इसके विंग्स जो इसमें लगा दिए गए ब्लैक कलर के, बहुत अच्छे लग रहे हैं। साथ में मिलता है आपको फुल बॉडी क्रैश गार्ड, फुल बॉडी क्रैश गार्ड बहुत ही हैवी क्वालिटी क्रैश गार्ड होता है। इसमें मिलते हैं आपको दो स्लाइडर, एक इस तरफ एक इस तरफ, और जब भी गाड़ी आप गिरती है स्क्रैच एक कुछ भी होता है ना टक्कर वक्कर कुछ भी होती है तो पूरी बॉडी करती है प्रोटेक्ट। साथ में आपके खुद के लेग्स भी होते हैं प्रोटेक्ट। और आप आओ बैक साइड, बैक साइड दिखाता हूँ आपको एक बहुत बेहतरीन चीज़ जो कि इसमें लगा दी गई, ये आपका टूरिंग क्रूजर सीट जिससे बनाने के बाद ना ईजीली आप कहीं भी राइड कर सकते हो कम्फर्टेबली, क्योंकि ये होती है काफ़ी सॉफ्ट और प्लेन राइडर को भी सॉफ्टनेस मिलती है पूरी। और ये बैक रेस्ट होती है इसके अंदर जिससे बैठने के बाद और भी ज़्यादा अपने कमर को भी आराम मिल जाता है इसमें। साथ में प्लेन राइडर को देखते हुए भी इसके लिए भी मिलते लगा दिया सेफ्टी पार्ट जो कि है बैक रेस्ट, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई है। इधर आपको देखने मिलेंगे इंडिकेटर जो देख सकते हो, हार्ले स्टाइल वाले इंडिकेटर हैं, ये भी इसके अंदर लगा देंगे दोनों तरफ। और इधर मिलती है आपको रिफ्लेक्टर लाइट, देख सकते हैं ये इसकी रिफ्लेक्टर लाइट जो लगा दी गई है, ये जब आपकी चाबी ऑन होती है तो इस तरीके से होती है, और जब ब्रेक मारते हैं ना तो देखो पैटर्न होता है चेंज। देखिए ये होता है ब्लिंक, ये होते हैं इसके फीचर्स। क्रैश गार्ड जैसे मैंने आपको आगे दिखाया ना, ऐसे पीछे भी देख लो आप, ये देखिए ये क्रैश गार्ड बहुत हैवी गार्ड। साथ में ना इस पर फुटरेस्ट है, एक इधर मिलेगा फुटरेस्ट और एक मिलेगा फुटरेस्ट आपको इस तरफ, ये देख सकते हैं दोनों तरफ फुटरेस्ट मिलते हैं आपको। इससे क्या होता है प्लेन राइडर को काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है बैठने से, और ये बहुत ही हैवी क्वालिटी का क्रैश गार्ड इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। तो इसके अंदर आपको दिखाऊंगा एक चीज़ और जो कि हॉर्न जो कि अंदर इंस्टॉल है, पता लगते नहीं है वो कि कहाँ लगे हैं कैसे लगे हैं। तो ये देखिए ये हॉर्न इसकी साउंड कुछ इस तरीके को इसके अंदर आता है, सिंगल हॉर्न आता है और उसको हटा के हम लगाते हैं डबल जो कि होता है मेल और फीमेल। मेल फीमेल से क्या होता है आपकी साउंड आती है पूरी क्लियर, जैसे कि अभी आ रही है रोड पे निकलते तो सिंगल हॉर्न से साउंड नहीं आती है, इसीलिए हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि सिंगल जो हॉर्न होता है आपको उसी के जैसा आपको पूरा पेयर लग जाता है मेल फीमेल वाला, जिससे पूरी साउंड एक्यूरेट आए। तो ये थी इस बाइक की मॉडिफिकेशन। अब मिलाना चाहूँगा मैं भैया से, जिन भैया की ये बाइक स्कूटी है, क्योंकि पहले भी उन्होंने काम कराया था तो पता लग जाएगा उन्होंने इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा पहले और अब आए हैं, तो अब तो पता ही है। आए भैया, तो हेलो सर, कैसे हैं आप और नाम क्या और कहाँ से हैं ये बताओ, काम कैसा रहा पहले भी और अब भी? सर मेरा नाम करण है और मैं गीता कॉलोनी से आया हूँ, और मैंने पहले भी भैया से काम करवाया है और मैं इनकी क्वालिटी से और सर्विस से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। बहुत अच्छा इनके प्रोडक्ट्स हैं क्वालिटी वाइज भी और सर्विस वाइज भी, तो मैं दोबारा इस ये और इंस्टॉलेशन करवाने आए हूँ जो नए प्रोडक्ट्स आए हैं इनके। थैंक यू। ऑल ओवर कोई आना चाहे तो क्या रिकमेंड करेंगे आप? बिल्कुल सर, दिल्ली या दिल्ली के बाहर से भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैं रिकमेंड करूँगा। SKD से बेस्ट आपको कहीं सर्विस और क्वालिटी नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो रिव्यू भैया आपने देख ही लिया, आपको पता क्या करना है, सीधा करना चैनल को लाइक तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। आना कहीं आपको पता ही है, दिल्ली के रोड नाइवलैंड में जो कि बैक साइड मिलते हुए 36 नंबर गली, और फ्रंट में देखें तो फ्रंट मिलता है आपको आर्य समाज रोड जो कि मेन रोड पर हनुमान जी की मूर्ति। में बार बार बताता हूँ आपको, हनुमान मूर्ति खासकर ध्यान दें, जब आप आते हैं कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया से तो एक बड़ी सी जो हनुमान जी की मूर्ति है ना वो समझ लो हमारी शॉप के जस्ट अपोजिट ही पड़ती है। अपोजिट इसलिए क्योंकि जो रोड है ना आर्य समाज वाला वो हनुमान जी की मूर्ति के सामने से निकलता है, और जैसे ही आप आते हैं तो पहले चौक पर ही हमारी शॉप पड़ जाती है जो कि मिलती है आपको SKD के नाम से, और किसी अदर नाम से नहीं है। शॉप का जरूर ध्यान देंगे, लोगों ने धंधा बना रखा है हमारे नाम से, बहुत सारी शॉप्स खुल चुकी हैं जिसको आप जिससे आप रहें सावधान। और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बाकी कहूँगा तो फायदा कुछ नहीं।
और ध्यान दें आपको चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें राजू भाई एसकेडी को। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, गुड बाय।